प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, बोले सबसे बड़े संकट में भारत ने दिखाई क्षमता, 100 साल बाद खुद पर गर्व करेगी मानवता। पीएम और चुनाव आयोग पर बरसे उद्धव ठाकरे, का हमारा धनुष चोरी हो गया लेकिन मानुष हमारे साथ। एक बार फिर रची गई विधायक जीवन रेड्डी की हत्या की साजिश, आरोपी के घर से विस्फोटक बरामद। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार ने दी ठाकरे को सलाह, बोले इंदिरा ने भी ऐसा ही किया था, स्थिति का सामना। आरसीबी की कप्तान बनी स्मृति मंधाना, फॉफ डुप्लेसिस ने किया अनाउंसमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। रामचरितमानस की चौपाइयों पर उठे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पोस्टर के जरिए अपना विरोध जताया था। इस विवाद के बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा नेताओं से विवाद से बचने के लिए कहा था, जिसके बाद से आज सपा दफ्तर के बाहर से वो पोस्टर हटा दिया गया है। रामचरितमानस की चौपाइयों पर उपजे विवाद के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगातार होर्डिंग और पोस्टरों की एक बौछार सी देखी गई, जिसमें इन चौपाइयों को हटाने और बैन करने की मांग भी की गई थी। लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर उन तमाम होर्डिंग और पोस्टरों को हटा दिया गया है जिसमें रामचरितमानस की चौपाइयों को बैन करने या फिर इन्हें हटाने की बात की गई थी। इससे मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से उन होर्डिंग और पोस्टरों को हटाकर होली की शुभकामनाएं के पोस्टर होर्डिंग अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानस विवाद को समाजवादी पार्टी अब ज़्यादा तूल नहीं देना चाहती है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपने प्रदेश कार्यालय के कानपुर देहात के मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, जहां पीड़ित परिवार ने बड़े ही दर्दनाक तरीके से पूरी घटना को बताया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने पक्का मकान देने का दावा किया था, जबकि यहाँ तो कच्चे मकान पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यालय में बुलडोजर आहुति यज्ञ किया जाएगा। इस बाबा जी के बुलडोजर ने पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रखा है। ये बुलडोजर मौत का बुलडोजर बन गया है। ये बुलडोजर गरीब की जिंदगी में दुश्वारियों का बुलडोजर बन गया है। और पिछले दिनों जो एक दुखद और पीड़ादायक घटना कानपुर देहात में हुई, उस घटना में एक माँ और बेटी को प्रशासन ने जिंदा जला दिया। प्रमिला दीक्षित और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया। उनका गुनाह यह था कि वो झोपड़ी बना के रह रहे थे गांव की एक जमीन पर। ग्राम सभा के प्रधान ने उनके खिलाफ नहीं लिखा, लेकिन बावजूद इसके योगी सरकार के बुलडोजर ने मां बेटी की जान ले ली। मेरठ में फिल्मी स्टाइल में बदमाशों को उनके साथी पुलिस से छुड़ाकर अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि पुलिस बदमाशों को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जा रही थी, जिसके बाद से एसपीसीटी और एएसएसपी ने बदमाशों की घेराबंदी करने के लिए कई टीमें लगाई हैं। साथ ही जिले में जगह जगह नाकाबंदी कर बदमाशों की घेराबंदी के निर्देश दिए गए हैं। कर ले गए हैं बदमाश। बदमाशों की घेराबंदी के लिए टीमें बनाई गई हैं, जगह जगह पर निर्देश दिए गए हैं, घेराबंदी के लिए टीमें बनाई गई हैं। खबर मेरठ से है, आपको बता दें।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजन जुड़ेंगे। राजन, देखा जाए तो फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने अपने साथी को छुड़ा कर ले गए हैं, क्या कुछ और अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? देखिए, अभी तक तो फिल्मों में देखा जाता था कि बदमाशों के साथी किस तरीके से अपने साथी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाते थे, लेकिन ये रियल में हुआ है। मेरठ के थाना टीपी नगर ने कल दो लुटेरों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने लगभग 14 दिन पहले 4 लूट की वारदातों को मेरठ में अंजाम दिया था। जैन सिकंजी के आउटलेट के मालिक से मोबाइल और नकदी और सोने की अंगूठियां लूटी गई थी। उसके बाद में 4 घंटे के अंदर अंदर 3 लुटेरों ने 3 लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। कल थाना टीपी नगर और एसओजी और सर्विलांस की टीम ने ये दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ये सारा सामान भी बरामद हो गया था। आज जब टीपी नगर पुलिस इन्हें मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी, वहीं रास्ते में थाना रेलवे रोड पड़ता है, जो थाना रेलवे के अंतर्गत है, पर रोड पर एक पीछे से स्विफ्ट कार आती है, उन्होंने पुलिस पर हमला किया और पुलिस कस्टडी से अपने दोनों लुटेरे साथियों को वहां से छुड़ाकर ले गए। फिलहाल इस मामले की पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल और 1 दरोगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के पूर्व विधायक ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बसपा सांसद कंवर दानिश अली के पूर्वजों को हिंदू कहा है। उन्होंने कहा कि वो जिस विचारधारा से लड़ने की बात कर रहे हैं, उनके पूर्वज भी उसी विचारधारा से आते थे। अब देखने वाली बात यह है कि पहले दानिश अली के नाथूराम गोडसे को देश का पहला आतंकवादी बताए जाने की और दूसरी इस प्रतिक्रिया पर कितनी और क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। शनिदेव महाराज के पवित्र धाम कोकलावन धाम में दर्शन करने आए हैं। अभी यहाँ पर टीवी आज तक पर अमरोहा लोकसभा के सांसद दानिश अली को सुना। वो एक विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और जिस विचारधारा के खिलाफ वो लड़ने के लिए तैयार हैं, वो राष्ट्र की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा है, लेकिन वो भूल रहे हैं उनके पूर्वज भी इसी सांस्कृतिक विचारधारा से आते थे। इस पर वो चिंतन करें, मंथन करें और राष्ट्र बनाने में हमारे सबके साथ खड़े हों। जय हिंद, जय भारत, जय शनिदेव धाम। शनिदेव महाराज के शिवरात्रि के पर्व पर शिव मंदिरों में सुबह से ही मंदिर प्रांगण में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर भक्त मंदिर प्रांगण के अंदर बम बम बोले के जयकारे के साथ भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भक्त लंबी कतार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट पर दिखाई दी। क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान के भजन गाँव में आए थे। यहाँ पर कब से आ रहे हो, क्या मानता है यहाँ मंदिर? भैया कहाँ से आए आप? आज शिवरात्रि का पर्व है और सुबह मंदिर पर आए, क्या मानता है, क्या कहना चाहेंगे आप? कब से आ रहे हैं यहाँ पर? कितना पुराना मंदिर है ये? कितना पुराना मंदिर है? जोकली मंदिर के नाम से है। ये राजा जसवंत की बहन जोकला यहाँ सती हुई थी, शरीर छोड़ा था, उन्हीं के नाम से स्थान जोकली मंदिर है। भोलेनाथ स्वयं हुए हैं और यहाँ से दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं, कालम चढ़ाते हैं और सेवा अर्चना करते हैं भोलेनाथ से, और जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी पूर्ण होती है। यहाँ पर 1 किलोमीटर पर जमुना मैया है, वहाँ स्नान ध्यान करके जल लेके यहाँ आते हैं, भक्त दर्शन करते हैं और जो उन पर सेवा होती है दरबार में करते हैं। यहाँ पर कब से आ रहे हैं आप? हम यहाँ से बचपन से आ रहे हैं और इंडिया का ही निवासी, दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, गणपति की उपासना करते हैं। बड़ा महत्व है हिंदू के अंदर, यहाँ ऐसी मान्यता है यहाँ पर, जो यहाँ पर मुराद मानता है उसके अवश्य होती है। एक और मान्यता है, हर शिवरात्रि में भोलेनाथ एक जौ के समान अपना रूप बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर आपके आसपास के क्षेत्र में पूरे सबसे बड़े आस्था के केंद्र है तो वो है देवकली धाम, महाकालेश्वर धाम देवकली। पर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली है। आप देख सकते हो तस्वीरों, किस तरीके से सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली है, जहां अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वही भक्त अपने हाथ में जल अक्षेप भी लिए हुए हैं, फूल में पत्ती भी लिए हैं। कुछ भक्त हमारे साथ में जाना चाहता हूँ, उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
यहाँ शिवरात्रि का पर्व क्या मनोकामना मांगने सब क्या है इस मंदिर की क्या आस्था है? आप कहाँ से तो ये बताइए यहाँ सब क्या बात है? जैसा कि आपको बताते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक चावल एवं रिजर्व सुरक्षा व्यवस्था में पुख्ता इंतजाम किया गया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी खड़ा हुआ है, वहीं चौकसी बनी हुई है, वहीं हर आने जाने वाले को लेन में ही कतार में जाने पर किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो सकते मंदिर के मुख्य द्वार पर अंदर एंट्री करने के लिए लोगों को अपनी लेन बारी से इंतजार करना पड़ा और लेन लगा कर ही अंदर जा रहे हैं। देवरिया के सुरौली थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद देखे गए। दरअसल चोरों ने एक घर के बाहर से बाइक चोरी की और उसे लेकर रफू चक्कर हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। अमरोहा में कांस्य पदक जीतकर नाम रोशन करने वाली बेटी दिव्यांशी सैनी का अमरोहा के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही उनके परिजनों और शुभचिंतकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में पहली बार हरियाणा राज्य के रोहतक में हुई सब जूनियर खेलो इंडिया नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज भाग लेकर दिव्यांशी सैनी ने कांस्य पदक जीतकर अमरोहा का नाम रोशन किया है। वहीं इस दौरान दिव्यांशी सैनी और उनके परिवार ने अन्य लोगों से सभी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का संदेश दिया है। नमस्कार, मेरे साथ अमरोहा की बेटी दिव्यांशी सैनी है जिनका रेलवे स्टेशन अमरोहा पर स्वागत हुआ है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है रोहतक में हुई प्रतियोगिता में, इसके बारे में इनसे बात करते हैं। जी बताइए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिव्यांशी सैनी है। ये बताइए, आपने किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? खेलो इंडिया सब जूनियर नेशनल, खेलो इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में। तो इसमें आपको जो आपका श्रेय है इसके लिए सफलता कैसे देंगे आप? मैं अपने कोच मिस्टर निर्भय सिंह को देना चाहूंगी और ट्रेनर मनीष सिंह। अच्छा, इसके अलावा परिवार के लोगों में किसे सहयोग देंगे? मम्मी और दादाजी जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो इनका साफ लफ्जों में कहना है कि अपने परिवार के लोगों में अपनी मम्मी और दादाजी जो इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं और इनके कोच जो है निर्भय उन्हें ये श्रेय देना चाहती हैं। मेरे साथ इनके कोच भी हैं, आपका शुभ नाम? निर्भय बिश्नोई। ये बताइए कि क्या कहना चाहती हैं, जिस तरह से बेटियां जो हैं अभी बहुत आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रुक जाती हैं, उनके परिवार के लोग भी रोकते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मैं कुछ चाहता हूँ कि इनके परिवार बच्चों को आगे भेजें, लड़कियों को, हम लोग लड़कियों को ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं, लड़कियाँ हमारे पास ज़्यादा आ रही हैं, हम चाहते हैं कि लड़कियाँ नेशनल में इंडिया वर्ल्ड ओलंपिक में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में लड़कियाँ गोल्ड मेडल लाएँ हमारे ज़िले के लिए और इंडिया का नाम रोशन करें। अच्छा, इनकी मम्मी भी मेरे साथ हैं, आप इधर आ जाइए। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम विनीता सैनी है। ये बताइए कि जो ये आपकी बेटी ने इतना बड़ा ये नाम रोशन किया अमरोहा का प्रदेश भर में, क्योंकि अकेली उत्तर प्रदेश से थी, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये हम सभी के लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारी बेटी कांस्य पदक जीत के लाई है और मैं इससे यही उम्मीद करती हूँ कि आगे ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक जीत के लाए। हाँ, तो इनकी मदर ने भी जो है, अच्छा इनके दादाजी मेरे साथ हैं, दादाजी आप इधर आ जाइए एक बार, इनके दादाजी हैं। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम बीच में आ जाइए आप। अच्छा जी, जगत सिंह सैनी। जगत सिंह सैनी, ये बताइए कि आपकी पोती ने जो इतना नाम रोशन किया उसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि मेरी पोती जैसी और जितनी भी इसके साथ की लड़कियाँ हैं और हर माँ बाप को चाहिए कि लड़कियों को इसको देख करके आगे अपने बढ़ाएं, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश का नाम क्या, हमारे इंडिया का नाम पूरी दुनिया में ये फैले कि यहाँ की जो बेटियाँ हैं वो इतनी सक्षम है कि वो मनुष्य का भी बराबरी कर सके। तो कुल मिलाकर के उन्होंने जो है सीधा एक संदेश दिया है कि बेटियाँ किसी से कम नहीं होती, शायद यही वजह है कि वो
और लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि वो भी अपनी बेटियों को आगे आने से रोके ना। विनीत अग्रवाल, प्राइम टीवी, अमरोहा। औरैया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक अपने साथियों के साथ पुराने मकान में तोड़ते समय गिर गया था, जिससे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। जिसके बाद तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जाँच में जुट गई है। जिसे ठेकेदार के माध्यम से तोड़वाया जा रहा था। छत के ऊपर एक मजदूर कार्य कर रहा था। छज्जा गिर जाने की वजह से मजदूर छज्जे के नीचे दब गया। सूचना पर तत्काल विधुना पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल मजदूर को CSC विधुना लाई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। बदायूं के इस्लाम नगर क्षेत्र में रोजाना मिट्टी पर चलने वाले ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर बिना परमिशन के मिट्टी लेकर इधर से उधर घूमते रहते हैं, जिसके बावजूद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इनको चेक नहीं करता। इन ट्रैक्टरों पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं है, ना ही कोई उसका जिम्मेदार होता है। प्रयागराज के सराय ममरेश थाना के अंतर्गत आने वाले कुंदौरा महादेव मंदिर परिसर में कवरेज करने गए एक निजी चैनल के पत्रकार के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। दरअसल पत्रकार के मुताबिक वो शिवरात्रि के अवसर पर कवरेज करने गया था। इस दौरान उनकी SI शौमित सिंह और सिपाही करणवीर सिंह से अभद्रता करते हुए उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली गई। मामले को लेकर जब पत्रकार लोग SDM के पास गए तो उन्होंने भी गोलमाल जवाब दिया, जिससे स्थानीय पत्रकारों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी AC के साथ और हमने पूरा मंदिर क्षेत्र का, मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया है। ये बहुत ही पावन धाम है कुंदौरा महादेव जी का, जहाँ पर हम अभी आए हैं और आप देखेंगे ढेर सारे हजारों की मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। सभी व्यवस्थाएं को सुनिश्चित किया गया है कि जो भी श्रद्धालु हैं उनको कोई समस्या ना हो, साफ सफाई का इंतजाम अच्छा रहे, सिक्योरिटी का इंतजाम ठीक रहे और जो भी श्रद्धालु आए हैं जल चढ़ाएँ और मेले में अच्छे तरह से अपना समय व्यतीत कर आज का पावन पूछे। रायबरेली में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही हादसे में घायल पिता को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। एक सारदा नहर के पास एक्सीडेंट हुआ, जिसमें दो लोग थे, बाप और बेटे थे, जिसमें बेटा तो एक्सपायर हो गया, बाप को सर पे चोटें लगी है, हेड इंजरी है। बेटे की बॉडी जो है मर्चरी में रखवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। अब कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या कैसे है, तो जांच का विषय है। पिताजी की हालत कैसी है? पिताजी की हेड इंजरी है, नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं। फिर भी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती कर दिया गया, इलाज चालू है उनका। संभल में थाना स्मोली क्षेत्र में एंटी करप्शन की टीम ने अमीन को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अमीन ने स्टे लेने के नाम पर 10,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद मौके पर एंटी करप्शन टीम ने 10,000 की रकम बरामद की है। साथ ही टीम ने आरोपी संग्रज अमीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कमिश्नर साहब के यहाँ से तो वो स्टे की कॉपी लेने के लिए अमीन साहब, संग्रह अमीन जो है, ये कह रहे थे कि पहले मुझे जो है 10,000 रुपये दो, उसके बाद मैं स्टे लूँगा और उसको जब सबमिट करूँगा आगे। तो हमने जो है, हमारे पास शिकायतकर्ता कल पहुँचे थे, तो उनकी शिकायत पे टीम का गठन करके और DM साहब से आज दो विटनेस लेके आज ये कोठी पड़ती है टांडा कोठी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।